बदन में चोटे लगे पर घाव करे गंभीर। स्टाइल में फेल है चाहे शाहरुख के रणबीर। भोले बहुत है, रंगीन बहुत है, रूठे कभी तो हो संगीन बहुत है। नाच नचावे जो पंगा ले इनसे, ताली पे देते है तार। चाहे तो हर कोई पर मुश्किल से खिलते, हर गुदड़ी में ऐसे लाल। वो देखो क्या है राम बिंदु। हमारी चीनी को कभी माँ का प्यार नहीं मिला और हमको हमारी पत्नी का। तुम बहुत प्यार देना। जी हाँ, मैं चीनी को बहुत प्यार दूंगी। अब हमको प्यार दो ना, हम चीनी को दे देंगे। ओके। अच्छा, हमको प्यार से क्या करोगी? हम तुम्हें प्यार से गुफ और गुफ दिल। और प्यार से क्या पुकारोगी? ससुर जी। है? क्या ससुर जी? अरे क्या हुआ? अबे सुहाग रात भी चैन से नहीं मनाने देंगे। क्या डिस्टर्ब कर दिए? क्या बोलवा कहीं का? शादी हुई नहीं, सुहाग रात पहले ही मना रहे, वो भी दिन में। अबे हम सुहाग रात मनाए, सुहाग दिन मनाए, सुहाग दोपहर मनाए, सुहाग शाम मनाए, सुहाग 24 आवर्स मनाए, तुझे क्या प्रॉब्लम है? अरे ससुर जी कसम से खा रहे हैं, इस सुहाग रात के चक्कर में आपकी खटिया खड़ी होने वाली है। हाँ। का बकरा माथा फिर गया क्या तुम्हारा? अरे बिपाशा तुम्हें ही समझाओ इनका कि वो डॉक्टर नहीं, बीमारी बीमारी है या महामारी। अरे अम्मा कसम चाचा जुगाड़ू एकदम सही कह रहा है। अरे वो डॉक्टर नहीं, एक नहीं दो नहीं तीन तीन को ब्याह रचाई है। हाँ, और उसका एक भी पति 3 महीने ज्यादा जिंदा नहीं बचा है, समझे? तो तुम भी इसके साथ भांजी मारने आए हो? कहीं तुम अपनी जुगाड़ में तो नहीं? देखो हमारी डॉक्टर को कुछ कहना नहीं, उसने हमको लेटर लिखकर सब बता दिया। बेचारी की किस्मत में खोट है, चोट में चोट है, पर सुन लो दुनिया लालो, गुरदीन का उसको सपोर्ट है। ना 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 ना
लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। कब सोचा है ना कि बाबू की शादी के लिए ना ऐसे वाला ही जोड़ा ले आएंगे, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। चीनी, शादी का जोड़ा लेने जाना ना, एक तो सफेद जोड़ा भी ले लेना, जरूरत पड़ेगी। सुब सुब बोलने से काम मुसीबत टल जाएगी। अब जो अगर माँ को गले लगाना चाह रहा हो तो उनका कौन रोक सकत। जुगाड़ू, जुगाड़ू, तुम कहाँ सुसाइड करना चाहते हो? उनका शादी से पहले आपको विधवा बना देना चाहते हो? अरे चीनी, हम सुसाइड करने नहीं जा रहे हैं, तुम्हारे बाबूजी सुसाइड करने जा रहे हैं। अरे वो डॉक्टर ने बीमारी से शादी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आत्महत्या कर रहे हैं। हाँ, पर काहे? अब तो डॉक्टर ने शादी के लिए तैयार हो गए हैं ना, तो बाबू काहे सुसाइड करना चाहते हैं? डॉक्टर ने बीमारी बहुत पहुंची हुई चीज है। हाँ, पहले रईस बुड्ढों को अपने प्यार के जाल में फंसा के फिर उनकी सारी प्रॉपर्टी हथिया लेती, वो भी मार मूर के। हाँ हाँ, और अब तुम्हारे बाबूजी का नंबर लगाए वाला है। ए चुकरू, तुम ही बाबू को काहे नहीं बताते? अरे बताए थे चीनी, पर वो डॉक्टर बीमारी के मुंह में ऐसा फंसे हुए हैं कि हमारी सुनने की तैयारी नहीं। अब तुम ही उनको जाके समझाओ। ओ जुगाड़ू, जब बाबू तुम्हारी बात नहीं समझे तो हमारी बात कैसे समझेंगे? तो क्या इस पूरे पटकापुर में कोई है जो उनका समझा सके? टिल्लू, हमरे कहने का मतलब है पापा और हमरे ससुर जी। पापा, मीरा कुमारी थोड़ी मुटिया दीजिए, साइलेंस जोर। ये क्या बार बार लाफिंग कर रहे हैं? हमने कोनो जोक सुनाया है? नहीं इमली, नहीं, हम गंभीर है। तो हर बात का मतलब ये है कि वो डॉक्टर नहीं, गुरदीन से शादी करे के बाद गुरदीन को भी देखा। बहुत मजा आ रहा है पापा को, है? बहुत रॉन्ग बात है, आपका फ्रेंड उधर सुसाइड कर रहा है हा? और आप यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, जाके उसको समझाइए, स्टॉपिए। देखिए श्रीमती जी, चाहत के प्लेटफॉर्म पर दिल की रेलगाड़ी जब प्रेम की पटरी पर दौड़ती है तो जमाने का सिग्नल स्टॉप नहीं देखती है। तो पापा, वो पटरी को उखाड़ दीजिए ना, आखिर चीनी के बाबूजी की जिंदगी का सवाल है। बेटा, ये उखाड़ पछाड़ का डिपार्टमेंट हमारा नहीं है, ये तो तुहार महान भाई जुगाड़ू लाल का डिपार्टमेंट है। बहुत जुगाड़ किए थे ना गुरदीन के शादी के लिए, तो शादी रुकवाने के लिए कौन जुगाड़ काहे नहीं करते हैं? आप हमका चैलेंज कर रहे हैं पापा? नहीं मित्रा, हम तो तुहार खिल्ले उड़ा रहे हैं। फिर ठीक है, चैलेंज वाले हमका पसंद नहीं, बता देना है। पुरानी फिल्मों का मनोज कुमार। ए जुगाड़ू, गुरदीन भैया का क्या होगा अब? तुम टेंशन ना ले अम्मा, पापा बिल्कुल नहीं ठीक कह रहे हैं। जब हम जुगाड़ से शादी का तंबू गा सकते हैं तो उसे ही तंबू को खाड़ के फेंक भी सकते हैं। हाँ बम भोले भैया, ये मामला तो हाथ से निकल गया, समझो। सही कह रहे हो। अरे हम लोग तो का पूरा गांव भी इस वक्त गुरदीन को समझाएगा ना, तब वो समझ में नहीं आए। अरे पंडित जी, समझाने की बात नहीं कर रहे, जुगाड़ लगाने की बात कर रहे हैं। एक आइडिया मेरे पास। अच्छा क्या है ना, एक मोहतरमा जो है मेरे पीछे पड़ गई थी हाथ धो के, देखने में तो सोसा बहुत बढ़िया था उनका। हाँ, लेकिन अंदर से ना बिल्कुल उनका मामला दिवालिया था। मेरे को लगा मैं कैसे पीछा छुटवाऊं इनसे। हाँ तो मैंने क्या है, जबरदस्त पैतरा अपनाया। कौन सा पैतरा? ये अच्छा पूछा तुमने। मैंने क्या है ना, एक अफवाह फैला दी झूठी। क्या फैला दी? अफवाह, अफवाह। मैंने कह दिया कि मेरी जो किस्मत है ना उसमें कमी है, खराबी है। मेरी जिससे शादी होगी ना वो 6 महीने बाद मर जाएगी। 5 बार बेहोश हुई, भाग गई बेहोशी में। अरे ओसामा चाचा, ये बात हमारे दिमाग में पहले काहे नहीं आई? बेटी कौन सी बात? यही कि वो डॉक्टर नहीं, नहीं लेडी ओसामा है। अरे तुम लोग इस वक्त यहाँ?
हाँ हम सोचे जब शादी होने जा रहा है तो बाकी की बात भी कर ही देखते हैं। लेकिन बाकी की कोई बात तो बाकी नहीं है यू नो। अम्मा कसम चाची इतनी भी भोली मत बनो, लेन देन की बात किए बिना कहीं शादी होती है क्या? लेन देन यू मीन डाउरी? और नहीं तो का बाबू से शादी करने के बाद खाली हाथ होगी का? अम्मा ओ माँ लेकिन तुम लोगों ने तो कहा था तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है। अरे वो सब दिखावा है दिखावा, अंदर से बिल्कुल कंगले हैं। हाँ। और वैसे भी जुआ खेलने वाले के पास रुपया पैसा कभी रुका है का? जुआ लेकिन प्रॉपर्टी तो है राइट? प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है, शादी होते ही चुरा लेंगे। गिरवी पड़ी है ना? गिरवी मॉर्गेज यू नो। नो आई डिडंट नो। और वैसे भी अब तो बस तुम्हारा ही आश्रय है अम्मा। शादी में जो भी रुपये पैसे तुम लाओगे ना अपने बापू उसी से अपना कर्जा उतारेंगे। हाँ वरना अम्मा कसम वो जो दुकान है ना वो भी बिक जाएगी। हाँ ओ नो ओ यस, हम तो कितनी बार समझाया खुद को दिवालिया घोषित कर दो लेकिन हमने सोचता कहाँ है। दिवालिया इसमें हैरान होने की कौन बात है हा? अगर ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती तो बापू अपनी शादी थोड़ी ना करते, हम भी शादी नहीं करते का? हाँ अच्छा ये बात छोड़ो, ये बताओ चढ़ावे में कितना नकदी होगा कितना जेवर? अरे हम तो कह रहे हैं कोई जल्दबाजी नहीं है, सोच विचार कर लो फिर हम तसल्ली से आएंगे ठीक है। जय राम जी की। मैं सहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है। अरे कौन खटखटा रहा हमरा द्वार, देंगे गाल पे चा तो चले जाओगे यमुना पार है। आ रहे हैं। कौन आगा सदर? कौन है? आप तो हमको लगा कि बाहर बच्चे बच्चे खेल रहे हैं तो आप यहाँ इस वक्त क्यों? नहीं आना चाहिए था। नहीं ऐसी बात नहीं है कि क्या कि एक लड़का और लड़की शादी से पहले इस तरह मिले तो जमाना क्या कहेगा। ओह गॉड यू आर सो स्वीट। हमको गुड़ मत कहो, अच्छा नहीं लगता। ओके गुड फॉर गुरदीन। नहीं मैं जरा जल्दी में हूँ। वो क्या है कि मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी थी लेकिन वो बात मैं अपने जुबान पे नहीं ला सकती। कहीं तुम माँ तो नहीं बनने वाली? ऐसा लगा कि मतलब जो लड़कियाँ बात जो वापस नहीं ला पाती शायद वो माँ बनने वाली होती है। नो ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपनी दिल की बात बोलनी थी। हाँ। बोलो हम सर घुमा लेते। बोलो बोलो। नो गुरदीन बोलो ना। मैंने अपने दिल की बात इस लेटर में लिख दी है बट ये लेटर तुम मेरे जाने के बाद ही पढ़ना ठीक है? यू नो आई नो ओके बाय। एक मिनट हाँ एक मिनट यहाँ कुछ है क्या? हट गया धत। चिट्ठी आई है एक मिनट। बेआबरू नहीं होगी। हाँ। पीला गुलाब नहीं, मोहब्बत का गुलाब होता है लाल। हाँ। एक मिनट। माय डियर गुड मैं जानती हूँ तुम उससे बहुत प्यार करते हो पर मैं तुम्हारे मौत का कार्ड बनना नहीं चाहती। क्योंकि एक
ज्योतिषी ने मुझे बताया कि जिससे मेरी शादी होगी वो मर जाएगा। ये हनुमान ज्ञान भी जागर, इसलिए मैं जा रही हूँ तुम्हारी लाइफ से दूर नहीं और इस पटकापुर से दूर। मुझे दूर नहीं कोशिश मत करना वरना वरना यू नो तुम्हारी बिंदु बिंदु बिंदु। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। जुगाड़ू, शादी तो रानी का जुगाड़ तो तुम बहुत बढ़िया लगाए हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है। काहे ना कि बापू अभी तक वही बीमारी के चक्कर में सैड सॉन्ग गा रहे हैं। अरे चीनी डियर, बीमारी से रिकवरी में टाइम तो लगता है ना, अभी थोड़ा ज्यादा पगलाए हुए हैं, धीरे धीरे नॉर्मल पागलपन पे आ जाएंगे। ये तो अच्छा हुआ कि वो बीमारी खुद ही भाग गई, नहीं तो बीमारी के चक्कर में ना हमरे बापू की जान ही चले जाते। कैसी बात कर रही चीनी, हमरे होते तुम्हारे बापू जी की जान कौन ले सकता। अरे हमारा कहने का मतलब है हम थोड़ी ना किसी को तुम्हारे बाबूजी की जान लेने देंगे। जिगरू, इस शादी छुड़ाने का जुगाड़ तुम बहुत बढ़िया लगाए हो, ताकि वो बीमारी खुद ही भाग गई। हमारे बापू तो वो कब पीछा ही नहीं छोड़ने वाले थे। हाँ, इसीलिए तो हमारा नाम जुगाड़ू लाल है। नागफनी का पौधा तोड़वा हमारी शादी, अब पहनाई कफन बना के खादी हमारी जात का। तुम्हारा नाम जुगाड़ू लाल नहीं, पौधे जुगाड़ू लाल है, हमारी शादी तुम तोड़वा दिए, तुम्हारी पूरी बॉडी तोड़ देंगे हम। हमने जुगाड़ू ने कुछ नहीं किया है। नहीं, इसने किया है। जो कुछ किया है हमने किया है, हम ही गए थे उस बीमारी के पास और हमने ये कहा कि हमारे बापू कंगाल है, उनका दीवानिया निकल गया है और वो कोड़े कोड़े को मोहताज है। कोड़े कोड़े को मोहताज है, अरे निगोड़ी तूने हमारी दुनिया उजाड़ी, तुमको शर्म नहीं आई अपने बाप के चक्कर देख दे गाल में। अरे टके की हांडी जाए से कुकुर की जात का पता लग जाए तो कोनो बुराई नहीं ससुर जी। देखा आपने, जैसे ही उसको पता लगा कि आपके पास फूटी कौड़ी नहीं, कैसे भग गई ससुरी। मतलब क्यों बापू, वो पैसे के चक्कर में आपसे शादी कर रहे थे। और शादी के बाद कब आपका राम नाम सत्य हो जाता कौन जाने। हाँ, बापू आपको तो जुगाड़ का थैंक यू कहना चाहिए, उसने आपके जान बचाई है। हम तुमको थैंक यू कहेंगे लेकिन अगले जन्म में। और सुनो, जब तक हमारी शादी नहीं होगी ना, हम चीनी की शादी होने नहीं देंगे। और आपकी शादी कब होगी। हमारी शादी नहीं होगी। चलो चीनी, चीनी चलो, चीनी चलो, इधर आओ, हाथ पकड़ो। चीनी कमीना, आपकी शादी हो ना हो ससुर जी, हम तो चीनी से शादी करने का जुगाड़ तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि हमारा नाम है। अगर वो आदमी जुगाड़ को ढूंढता है यहाँ पहुँच कर तो यमराज के पास भी पहुंचा सकते हैं, पहुंचाएगा। अबे कौन हो तुम, हमको मारने पे काय तुले हो बे। यो मैं सच कह रही हूं, उसके तेवर कुछ अच्छे नहीं थे।